शुभोदय छात्रगण, पिछले घर में इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में आदिम काल से संबंधित कविता पाठ जो बीत गई भाग एक के बारे में परिचय बताएगा। अब इस अंतर में आदिम काल से संबंधित जो बीत गई पद्य भाग के भाग दो के बारे में इसका विश्लेषण होगा। जो बीत गई कविता पाठ के कवि हरिवंश राय बच्चन जी से लिखी कविता के विश्लेषण से पूर्व हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त में परिचय देखा गया। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में से प्रमुख माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर प्रदेश के निवासी बहुविधि प्रतिभा संपन्न बहुभाषी हैं, एक कवि हैं, बल्कि बहुभाषी किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार संबंधी रचना करने वाले, अर्थात कहानी का लिखने वाला कहानीकार, निबंध का लिखने वाला निबंधकार, उपन्यास का लिखने वाला निबंधकार उपन्यासकार, इस प्रकार कहानी एकांकी जीवनी उपन्यास नाटक कविता संबंधी रचना करने वाले को ये क्या है, भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं, भिन्न पद्धतियां विधियां रचना करने वाले को बहुत बहुविधि प्रतिभा संपन्न ऐसा कहा जाता है। और बहुभाषी भी थे, माने अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा के अंतर्गत रचना करने वाले को बहुभाषी कहते हैं। आप अरे हरिवंश राय बच्चन जी अरे बहुविधि प्रतिभा संपन्न कवि नहीं थे बल्कि बहुभाषी भी थे। और इस प्रकार आपके जन्म के बारे में जब देखा गया 1907 में आपका जन्म हुआ है और 2003 में 18 जनवरी को माना जाता है तो ये आपकी मृत्यु हुई है, माने लगभग 6-9 वर्ष इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। इस जीवन के अंतर्गत इन्होंने अधिकतर समय किसने हिंदी साहित्य की रचना में लगाया है, अपार सेवा की है। तो इस प्रकार आप जो होते हैं हिंदी साहित्य में एक हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, माने आरंभ से होता है वो उसको प्रवर्तक कहते हैं। इस प्रकार ये न केवल हलवा के प्रवक्तक थे बल्कि इन्हें उत्तर छायावादी कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। उत्तर छायावादी किसे कहते हैं, गद्य के संबंधी माने अंतिम में हिंदी साहित्य का जो चार कालीन विभाजन किया गया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वो चार कालावधियों में अंतिम वाला कालावधि जो होते हैं 1900 से आज तक बताएगी। जैसे चार कालावधियों में पहला काल जो होता है वो 1050 से इसका आरंभ किया गया, 1050 से अने जब बताइए 1050 से 1375 तक, 1375 से लेकर 1700 से लेकर 1900 से लेकर आज तक का मान्यता है। माने इस प्रकार हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चार काल में बांट दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन है, ये हिंदी साहित्य के पितामह है, पिता अने फादर ऑफ द हिंदी लिटरेचर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके अनुसार हिंदी साहित्य के जो चार काल विभाजन किया गया वो अंतिम वाले काल अवधि जो है 1900 से आज तक माने जाते हैं। उस काल अवधि को भी फिर अने उपभेद में बताया गया जिसमें भारत हिंदू युग, छायावाद युग, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, इस प्रकार से भिन्न प्रकार के विभाजन किया गया। उसमें आप जो है हरिवंश राय बच्चन जी हलवाद के प्रवर्तक थे, इन्हीं से हलवाद का आरंभ किया गया है। उसके बाद जो होता है दूसरा छायावाद, कौन सा छायावाद, अरे उत्तर छायावाद, माने छायावाद का आरंभ काल जो होता है वो जो कवियां थे उन कवियों में आप प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। अब आर्यभाने हिंदी के फिल्म जो होते हैं फिल्म के अभिनेता का माने एक्टर, यानी हिंदी के एक्टर जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो फेमस हैं, इस प्रकार वो अमिताभ बच्चन जी के वो हरिवंश राय बच्चन जी पितामह है, माने हरिवंश राय बच्चन जी के अमिताभ बच्चन जी के पिता, माने अमिताभ बच्चन जी कौन है,
हां हरिवंशराय बच्चन जी के सुपुत्र हैं। और इस प्रकार वो प्रमुख रचनाओं के अंदर जब देखा गया, एक व्यक्ति से एक प्रकार की रचना नहीं होती है, कई प्रकार रचना होती है, उन रचनाओं में अने कुछ उल्लेखनीय माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं, उसमें हरिवंशराय बच्चन जी के उल्लेखनीय रचनाओं में क्या बताया गया, मधुबाला मधुशाला, इस तरह से ये दोनों रचनाओं का रूपांकन किया गया। इस प्रकार इनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में जब देखा गया, आप जो होते हैं किसके अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम में एमए उत्तीर्ण किए, किस विषय में अंग्रेजी विषय के अंतर्गत एमए उत्तीर्ण किए, कौन से विश्वविद्यालय से, अरे ये जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से। ये प्रयाग विश्वविद्यालय क्या है, माना जाता है कि विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, जो विद्यालय माने पाठशाला को विद्यालय कहा गया, उसी तरह से स्तर के अनुसार दोनों कॉलेज को जो होता है महाविद्यालय कहा गया, और उसके बाद कॉलेज यानी कि डिग्री जो होती है वो विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे विश्वविद्यालय, मैंने इस तरह से विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला जो विश्वविद्यालय है वो प्रयाग विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से क्या किया, मीडियम से इंग्लिश विषय से क्या है एमए उत्तीर्ण किए। इतना ही नहीं, इन्होंने महत्ता किसको छोड़ नहीं दिया है, बल्कि अपनी शिक्षा के प्रति यानी रुचि होने के कारण ज्ञान की उन्नति प्रगति करने के लिए उद्देश्य से इन्होंने पीएचडी भी किया है। इस पीएचडी के अंतर्गत इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है, अरे जो अंग्रेजी माध्यम से ही पीएचडी जो है क्राइम ब्रांच विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी का समापन किया है। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत अनेक जीवन परिचय संक्षिप्त में हरिवंश बच्चन जी का परिचय बताया गया, और इसी प्रकार अने आपसे लिखी गई मैंने जो कविता जिसका शीर्षक है अने जो बीत गई, इस वाले शीर्षक के संबंधी पहले पिछले अंतर में भाग एक के बारे में बताया गया, अब इस अंतर के अंतर्गत भाग दो का यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये जो कविता के संबंधी ये पंक्तियां है, जो जीवन में वह था एक अनेक कुसुम, कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन के अंतर्गत है सहजीवी है, संपर्क एक दूसरे से संबंध को प्रेम को जोड़ने वाला है, और इतना जोड़ने लगता है इसके नश्वर हो जाने से, इसके टूट जाने से, उसके मृत्यु के शिकार होने से बहुत शोक करता है। जैसे साधन सहज रूप है, मनुष्य किसी से कुछ प्रेम करता है, वो छूट गया, दूर हो गया, वो तो बहुत दुखी होता है, उसे कोई अनेक होता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य जीवन के अंतर्गत जो सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि की है वो सृष्टि के अंदर हर सृष्टि नश्वर होने वाली है, कभी कोई वस्तु यहाँ पे क्या होता है, चाहे वो कितना भी प्राणी हो, कितना भी प्रेमी हो, तो क्या होता है वो स्थायी रूप होने वाला नहीं है, एक दिन उसका नश्वर होना है। तो इस प्रकार इन्होंने धीरज के साथ अपने जीवन को निर्वाहन करने के लिए बिताने के लिए एक संदेश देते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने प्रेम में यानी अपने चाहिता अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति छूट जाता है तो बहुत दुखी होता है, इसके दुख होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इस तरह धीरज धरना है, जैसे आकाश के अंतर्गत कई तारे होते हैं, उस तारों के अंतर्गत अनेक कई तारे, कुछ तारे जो होते हैं क्या है टूट जाते हैं, कुछ तारे जो होते हैं वो छूट जाते हैं, तभी भी आकाश के मुख पर अगर अंबर के चेहरे पर आप देखें तो कोई परिवर्तन है नहीं, क्योंकि वो जो बीत गया छूट गया तो कहाँ मिलेगा, ये असंभव है। इस प्रकार जैसे मृत्यु का हो गया, कोई मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति जो होता है कि संबंध में किसी से क्या होता है संबंध जोड़ा रहता है, मान कि वो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का भाई है, सब रोने लगते हैं, दुखी होते हैं, शोक होते हैं, लेकिन इसके रोने मात्र से क्या होता है कोई उठकर आएगा फिर जीवित हो जाएगा, नहीं असंभव। इस प्रकार जो बीत गया जो बीत बात गई माने वो बीत गया छोड़ देना चाहिए,
जो छूट गया तो छोड़ देना चाहिए इस तरह से बताते हुए एक उदाहरण आकाश का बताया और दूसरा उदाहरण जो होता है उपवन का बताया उपवन किसे कहते हैं बगीचा बगीचे में क्या होता है फूल फल हरे हरे पत्ते बेल पेड़ पौधे सभी होते हैं लेकिन एक पेड़ पौधा या बेल कुछ भी लेने मात्र से वो क्या होते हैं कभी मुरझाया जाता है कभी वो सूख जाता है कभी वो टूट जाता है लेकिन वृक्ष के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है एक वर्ष ऋतु के अंतर्गत एक वृक्ष जो होता है फूलता है फलता है पत्ते हरे हरे पत्ते आते हैं बहुत आनंदित होता है खुश होता है लेकिन जैसे पतझड़ के समय क्या होता है सारे पत्ते झड़ जाते हैं सूख जाते हैं झड़ जाते हैं और फूल फल नहीं होते वो बिल्कुल एक अकेला खड़ा हो जाता है बड़े सूखा होता है लेकिन वो दुखी होकर नहीं खड़ा है बल्कि वो सुख की प्रतीक्षा वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा है अवश्य मुझे क्या होता है फिर से पत्ते आएंगे नए नए पत्ते आएंगे फूल होंगे मने फल होंगे इस आनंद होगा इस तरह से वो धीरज धरता है इसी प्रकार कभी हरिवंश बच्चन जी भी अपने जीवन के अंतर्गत नष्ट होने वाले वस्तु से जो पश्चाताप करने की दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जैसे उदाहरण के रूप में जीवन में हुआ था एक कुसुम कुसुम का माने पुष्प कुसुम किसे कहते हैं पुष्प को कहते हैं फूल जिसको हम कहते हैं जैसे मनुष्य जीवन कैसा है एक फूल के समान है वो फूल क्या होता है बहुत डेलिकेट होता है नाजुक होता है जीवन में वह था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम एक फूल है फूल के प्रति आकर्षित है जैसे गुलाब का एक बगीचे में गुलाब का फूल है बहुत सुंदर दिखता है बहुत अच्छी खुशबू आती है हर कोई चाहने लगता है उसको कभी अतीत है उसको तोड़कर अपने आप साथ में रखता है अगर लड़कियां हैं तो उसको सर पे लगाते हैं है ना तो प्रेम है आकर्षण है तो इतना आकर्षित वाला प्रेमी वाला को भी क्या बताते थे उस पर निछा नित्य नित्य माने हमेशा नित्य किसे कहते हैं हमेशा ऑलवेज हाँ नित्य निछावर थे मेन निछावर होना का माने आकर्षित होना आकर्षित होना या मैं बोल तो उसके अंतर्गत स्तंभित आकर्षित हो जाना माने हाँ तुम तो वह सूख गया तो सूख गया अब कभी क्या होता है मुरझाया जाता है सूख जाता है तब उसके प्रति दुखी होंगे स्मरण करेंगे अरे ये वाला पुष्प खिला हुआ बहुत सुंदर था अच्छा था ऐसे थोड़ा सा विचार मग्न होंगे है ना इसी प्रकार वह सूख गया तो सूख गया फिर इसकी क्या है उसका ध्यान नहीं देते हैं छोड़ देते हैं अरे सूख गया तो ठीक है अरे मधुमन की छाती को देखो तब ऐसे संदर्भ में जैसे पुष्प से हरा भरा जो बगीचा कितना सुंदर था वो बगीचे में फूल सूख गए तो उसका बगीचे का रूपांतर के अनुसार वो सूख गए पर उसकी छाती माने उसका रूपांतर को देखें उसका आकार कैसा हुआ है माने भगवान का इस बगीचे का इस तरह से उन्होंने प्रश्न करते हैं कभी वो दुखी होता है कभी पछताता है कभी नहीं होता है अरे तो सूखी कितनी इनकी कलियां इसकी कलियां पुष्प की के पेड़ पौधों की जैसे फूल का जो उदाहरण दिया गया उसके कलियां भी होती हैं फूल तो हुआ है खिला है सुंदर आकर्षित हुआ है फिर वो मुरझाया गया सूख गया लेकिन कलियों की स्थिति जो होती है वो खिला भी नहीं अभी वो पुष्प का रूप आकार दिया भी नहीं लेकिन वो जो है कलियां सूख गई सूख गई उसकी कलियां बगीचों में फूल के अंदर डेलिकेट होने वाले पौधों को कहा जाता है तो ये कलियां जो होती है वो वलयों में होती है माने बेलों पर होती है मैंने इस तरह से अन्य पौधे पर जो कलियां होती हैं वो भी सूख गई इसीलिए पुष्प होते वो भी सूख गए इस तरह से मुरझाई कितनी वल्लयां क्या बताया
पहले तो पुष्प हुआ, वो आकर्षित हुआ और उसके बाद कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, सूख गया। तो सूख गया मैंने इसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद ऐसी स्थिति में एक भगवान की स्थिति को देखें तो उसके अंदर में कुछ कलियां हैं वो सूख गई, कुछ लताएं हैं वो भी सूख गई, है ना। अनुजाई जो मुरझाई फिर कहां से खिली, वो खिली जो कली है मुरझाई गई तो फिर से खिली वो सूख गई माने नश्वर हो गई। पर बोलो सुख फूलों पर, माने सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। मधुवन माने मधुवन, मधुवन का माने मधुमक्खी, मधुमक्खी आपने देखा है मैं हनी बी। मधुवन का माने यहाँ पर क्या है, सुंदर सा दिखाई देने वाला है ना, आकर्षित होने वाला एक बगीचा उपवन है ना, बगीचा। हाँ बोलो, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। शोर मचाना मतलब रोना चिल्लाना, अयो मेरे लताएं क्या हो गई हैं, मेरे फूल कैसे सूख गए, अब मेरे कलियां फिर खिलने नहीं लगी, इस तरह से वो कभी शोक मचाया या शोर मचाया नहीं है। और यहाँ पर जो पुष्प खिलता है वो मधुमक्खियां उस पर भीगने लगती हैं, लेकिन अब वो खिली हुई मैंने मुरझाई गई कलियों पर आने लगती हैं, वो भी छोड़ देते हैं। अरे ये तो पुष्प सूखा है, छोड़ो इसको, छोड़ दे। अगर वो इस प्रकार एक पुष्प पर अरे मधु ने खिल गया है, अच्छी सुगंध आ रहा है, तो मधुमक्खियां भी इस पर भीगने लगती हैं, अरे वो इस प्रकार से घूमती हैं। जो भीग गई सो भाग गई, इस प्रकार का कहते हैं अंत में, जो भीग गई कहने का उद्देश्य ये हुआ है, जो चला गया जीवन से छूट गया तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य के अंतर्गत आनंद होता है तो आनंद के अंतर्गत जितना आनंद है उतना दुख भी होता है। जैसे एक दिवस में रात और दिन होते हैं, सुबह होती है शाम होती है, शाम होने मात्र से हम जिस प्रकार स्वीकार करते हैं, सुबह को जितना स्वीकार करते हैं आनंद होते हैं, अरे इससे जीवन में भी सुख और दुख दोनों होते हैं, ये दोनों को भी समान रूप से हम स्वीकार करने चाहिए, मैंने इसको अनुभव करने चाहिए। जिस तरह से आनंद के अंतर्गत दुख के अंतर्गत समान धीरज धरना चाहिए। अधिक सुख होने से भी आनंद क्या होता है, हार्ट पर अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है ना। तो इस प्रकार से अधिक दुखी होने पर भी वो भी प्रभाव किस पर पड़ता है, हृदय पर पड़ता है, हार्ट का अटैक होता है, हार्ट अटैक आता है। इस प्रकार हम सुख में भी दुख में भी धीरज धर के समान रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए, अनेक का कोई लिमिट है ना। इस प्रकार से आशा है कि आप भी अपने जीवन के अंतर्गत अरे जैसे आकाश के तारों के समान, अरे और यहाँ पर मधुवन के अरे पुष्प के लताओं के समान इस प्रकार से दुखी ना होने पर, जो छूट जाने पर, टूट जाने पर, मुरझा जाने पर भी वो जैसे दुखी नहीं होकर धीरज धरते हैं, हम भी इस तरह से अपने जीवन में दुखी होने के दुखी के आने मात्र से कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि इस प्रकार समान रूप से धीरज धर कर जीवन निर्माण करेंगे। ओके धन्यवाद।